गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऊ की मात्रा वाला पढ़ेंगे, पेज नंबर 19। आप लोग भी अपने बुक में पेज नंबर 19 निकालिएगा। यहाँ है पेज नंबर 19 और इसको आप लोग, मैं जैसे पढ़ रही हूँ आप लोग भी घर पे पढ़िएगा। जैसे छोटा ऊ की मात्रा वाला है तो इसमें आपको छोटा ऊ का मात्रा भी मिलेगा, आ की मात्रा भी मिलेगा और बड़ी की मात्रा भी मिलेगा, छोटी की मात्रा भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, पुल, धनुष, बटुआ, कछुआ, सुराही, कुटिया, बुढ़िया, सुबह, कुर्सी, जामुन, गुलाब, बुलबुल, फुलवारी। फिर क्या लिखा है, देखिए, पढ़िए और समझिए। आप लोग को इस पूरे पिक्चर में देखना है, इसको समझना है और इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, ये है सुबह लिखा है, तो सुबह सूरज, सूरज के जगह में यहाँ पे सुबह लिखा है ना, सुबह सूरज निकलता है, ये सुबह लिखा है। ये काहे का चित्र है, कुर्सी। आप लोग को देखना है, समझना है और पढ़ना है। फिर ये क्या है, कुटिया, ये है कुटिया। और फिर ये क्या लिखा हुआ है, जामुन, ये काहे का पेड़ है, जामुन, देखो यहाँ पे जामुन भी फला हुआ है। फिर ये क्या है, बुलबुल, ये यहाँ पे एक चिड़िया है जिसको हम लोग बुलबुल बोलते हैं, बुलबुल। यहाँ पे देखिएगा एक पुल है, नदी है, नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुल। उसके बाद ये है धनुष, धनुष का चित्र है और धनुष लिखा है। यहाँ पे सुराही लिखा हुआ है और ये सुराही का चित्र है। देखिए यहाँ पे कछुआ है, ये कछुआ का चित्र है और यहाँ पर कछुआ लिखा है। फिर ये लिखा हुआ है बुढ़िया, एक बुढ़िया है। और गुलाब लिखा हुआ है, यहाँ गुलाब का चित्र है। ये बटुआ लिखा हुआ है, ये बटुआ का चित्र है। फिर यहाँ पे बहुत सारा फूल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फुलवारी। आप लोग हर सब्जेक्ट को पढ़िए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। देखिए आप लोग इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ते होंगे, हट माने झोपड़ी, जामुन को ब्लैकबेरी बोलते हैं। उसके बाद आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, आप लोग को, आप अपना इंटरेस्ट लेके पढ़िए, आप लोग को मजा आएगा पढ़ने में। यहाँ कछुआ है, कछुआ को टर्पेज बोलते हैं। वैसे ही यहाँ गुलाब, गुलाब को रोज बोलते हैं। आप लोग हिंदी, इंग्लिश हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा। हर सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, आप लोग को इसीलिए मन लगा के पढ़ना है। फिर नीचे क्या लिखा है, सुबह सुबह बुलबुल आ जाती, जामुन खाकर गीत सुनाती, उसकी गुनगुन बहुत ही भाती, गीत सुना फुरफुर उड़ जाती। आप लोग भी ऐसी पढ़िए, आप लोग डेली पढ़ेंगे, आप लोग का अभ्यास हो जाएगा। फिर आप लोग को मात्रा को लगा के बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग भी देखेंगे और तुरंत तुरंत पढ़ लेंगे। आप लोग अगर इसको पढ़ते हुए इसका मेरे को वीडियो भी बना के भेजेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा। तो मैं सोचूंगी हाँ, मेरे के G2 के बच्चे लोग जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं पढ़ रहे हैं। बच्चों आप लोग KG2 का पढ़ाई कंप्लीट करोगे तब जाके आप लोग Class 1 में जाओगे। आपका ये पढ़ाई को आपको अच्छे से करना है, आप इसको अच्छे से जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे तो आपको Class 1 में पढ़ने में और अच्छा लगेगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।